हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो व्हेन साइंटिस्ट वेंट रॉन्ग सीरीज का थर्ड पार्ट है। और जिस वैज्ञानिक की सबसे पहली वो खोज जो गलत थी, वो शायद कभी जीवन में गलत हुए ही नहीं, लेकिन कई बार हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। फ्रेंड, अल्बर्ट आइंस्टाइंस यूनिवर्सल थियोरी। फ्रेंड्स, इस थियोरी में एक बहुत बड़ा फ्लो था, वो था स्टैटिक यूनिवर्स। चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। फ्रेंड्स, आइंस्टीन को पहले लगता था कि यूनिवर्स स्टैटिक है, मतलब ना तो वो एक्सपेंड हो रहा है ना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टडी स्टेट में इसी तरह से रहता है। और इस अजम्पशन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी फील्ड इक्वेशंस ऑफ जनरल रिलेटिविटी में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, जिसे कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट कहा गया। इसका मकसद था कि ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस किया जा सके ताकि यूनिवर्स कोलैप्स कहीं ना हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, स्टैटिक यूनिवर्स थ्योरी असल में अनस्टेबल है। अगर यूनिवर्स में डेंसिटी या इनफैक्ट टेम्परेचर जैसे किसी भी फैक्टर में जरा सा भी बदलाव होता है, तो या तो यूनिवर्स एक्सपेंड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस इनस्टेबिलिटी का मतलब था कि सच में स्टैटिक यूनिवर्स होना काफ़ी मुश्किल। लेकिन फ्रेंड्स, बाद में हम सभी लोगों को पता है कि यूनिवर्स एक्चुअल में एक्सपेंड कर रहा है, और इस बात के बारे में पता लगा सन 1929 में। एडविन हबल ने पाया कि यूनिवर्स सच में एक्सपेंड कर रहा है, ये स्टैटिक नहीं। इस डिस्कवरी ने कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट की जरूरत को ही खत्म कर दिया, क्योंकि यूनिवर्स स्टैटिक था ही नहीं, जिससे आइंस्टाइन के मॉडल में एक कमी साबित हुई। इस बात पर आइंस्टाइन का क्या रिएक्शन था? जब आइंस्टाइन को पता चला कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट को अपनी सबसे बड़ी गलती कहा। हालांकि बाद में कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट का कंसेप्ट फिर से दोबारा रिलेवेंट हो गया जब डार्क एनर्जी और यूनिवर्स के एसरलेटेड एक्सपेंशन का आइडिया सामने आया, तो आइंस्टाइन पूरी तरह से भी गलत थे। इन शॉर्ट, आइंस्टाइन की ओरिजिनल यूनिवर्स मॉडल में फ्लॉ था कि उन्होंने यूनिवर्स को स्टैटिक मान लिया था, जो बाद में पता लगा कि अनस्टेबल है, और ये गलत साबित हुआ जब ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस ने हमें दिखाया कि यूनिवर्स वास्तव में एक्सपेंड कर रहा है। फ्रेंड्स, हमारी अगली खोज और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, प्लेनेट वल्कन। फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी में एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि मरकरी के ऑर्बिट में एक अजीब सी एनोमली है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार मरकरी के ऑर्बिट को प्रिडिक्टेबल पाथ पर चलना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि उसके ऑर्बिट थोड़ा सा अलग है, खासकर जब मरकरी सूरज के ज़्यादा करीब होता है। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली उस पॉइंट पर मरकरी थोड़ा सा शिफ्टेड था, जिसको कि बाकी के नॉन प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस से पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। तो प्लेनेट वल्कन का हाइपोथेसिस सामने आया। और फ्रेंड्स, इस एनोमली को समझाने के लिए फ्रेंच मैथमेटिशियन एवं एस्ट्रोनॉमर अर्बियन ले वेरियर ने एक और ग्रह की कल्पना की। फ्रेंड्स, वेरियर कौन थे? फ्रेंड्स, वेरियर वो थे जिन्होंने यूरेनस के ऑर्बिट की इरेगुलरिटीज के आधार पर नेपच्यून ग्रह की प्रिडिक्शन की थी, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट वही मिला था जहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशंस की। तो उन्होंने इस बात को प्रपोज किया कि एक ग्रह जिसे शायद वल्कन कहा जाए, वो मरकरी के ऑर्बिट के अंदर मौजूद हो सकता है, और इस हाइपोथेटिकल ग्रह का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस मरकरी को एक अजीब ऑर्बिटल बिहेवियर शायद एक्सप्लेन कर सकता है। माना जाता था कि वल्कन सूर्य के बहुत करीब है, जिससे उसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सूर्य की चमक के कारण उसे देख पाना कठिन। कई एस्ट्रोनॉमर्स ने वल्कन को देखने का दावा तक भी कर दिया, खासकर सोलर इक्लिप्स के दौरान, लेकिन इनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, आखिर इस बात का खंडन कब हुआ? वंस अगेन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जर्नल थ्योरी रिलेटेड भी जब प्रेजेंट की, तो आइंस्टाइन इक्वेशंस ने मरकरी की ऑर्बिटल एनोमी के लिए एक नया एक्सप्लेनेशन दिया। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार सन का मैसिव ग्रेविटी के कारण स्पेस टाइम का रैपिंग होती है, और मरकरी के ऑर्बिट के ऑब्जर्व प्रिसिशन को वो समझा सकता था। इसके लिए किसी एडिशनल प्लेनेट की ऑब्जर्व रही नहीं, और आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन के साथ ही प्लेनेट वल्कन की जरूरत अब खत्म हो चुकी थी। इवेंचुअली एक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी के रूप में इसे खारिज कर दिया। हालांकि फ्रेंड्स, वल्कन का अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन इसकी कहानी इस बात को याद दिलाती है कि साइंस कैसे इवॉल्व होती है। वल्कन की हाइपोथेसिस ने दिखाया कि उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स ने अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना को समझने के लिए अपने पास मौजूद टूल्स और नॉलेज का उपयोग कैसे किया, जिससे नई खोजों का मार्ग
ओपन हुआ। इन शॉर्ट, प्लैनेट वल्कन एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट था जिसे मरकरी की ऑर्बिट में इरेगुलरिटीज को समझने के लिए प्रपोज किया गया, लेकिन बाद में आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने इसे डिसप्रूवन कर दिया। फ्रेंड्स, क्या आप एक ऐसी थियरी पर यकीन करेंगे जिसे एक्सपेंडिंग अर्थ थियरी कहा जाता हो या ग्रोइंग अर्थ थियरी, एक ऐसी साइंटिफिक हाइपोथेसिस जिसे आज के समय में लार्जली मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया है। इस थियरी का कहना था कि पृथ्वी का आकार जियोलॉजिकल समय के साथ बढ़ता चला गया। थोड़ा डिटेल में से समझते हैं। फ्रेंड्स, इस थियरी का मानना था कि पृथ्वी बहुत पहले थोड़ी छोटी थी और लाखों सालों में इसका आकार बढ़ता चला गया। इस थियरी के समर्थक मानते थे कि पहले कॉन्टिनेंट्स पूरी तरह से आपस में जुड़े हुए और जैसे जैसे पृथ्वी का आकार बढ़ता गया वैसे वैसे कॉन्टिनेंट्स बनते चले। फ्रेंड्स, इस थियरी के सपोर्ट में जो तर्क दिए गए हैं वो अपने आप में कम नहीं है। सबसे पहला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। फ्रेंड्स, ग्रोइंग अर्थ थियरी के समर्थकों का कहना था कि कॉन्टिनेंट्स जो कि आपस में अपेरेंटली फिट हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखें साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का जो बल्ज है वो किस तरह से अफ्रीका के साथ जुड़ सकता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट किस तरह से इंडोनेशिया के साथ वो एग्जैक्टली फिट हो जाता है। और तो और फ्रेंड्स, कुछ शुरुआती समर्थकों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि अर्थ के सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट भी हुआ है, लेकिन सडक्शन जोन्स के कॉरस्पॉन्डिंग एविडेंस नहीं मिले जो कि पृथ्वी की क्रस्ट को रिसाइकिल करने के लिए ज़रूरी होता है अगर पृथ्वी एक्सपेंड नहीं हो रही है तो। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ वर्बल बातें हैं। साइंटिफिक रिजेक्शन इस थियरी को कब मिला? फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि इस थियरी के पास लैक ऑफ एविडेंसेस रहे, कभी कोई प्रॉपर एविडेंस इस थियरी को साबित करने के लिए था ही नहीं। यह एक्सटेंसिव जियोलॉजिकल डाटा से कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है। आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी जो कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट को सडक्शन जोन्स की उपस्थिति को एक्सप्लेन करती है, इस थियरी को व्यापक तौर पर स्वीकार कर लिया गया क्योंकि इसे जियोलॉजिकली और सेस्मोलॉजी और अन्य अर्थ साइंस से जुड़े डाटा का समर्थन। ग्रेविटी और मास की समस्याएं। फ्रेंड्स, अगर पृथ्वी एक्सपेंड हो रही होती या तो इसका मास बढ़ रहा हो जिसका कोई एविडेंस नहीं, या फिर इसकी डेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही होती, इसका भी कोई साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, 20th सेंचुरी में सी फ्लोर स्प्रेडिंग की डिस्कवरी ने प्लेट टेक्टोनिक थियरी को मजबूत सपोर्ट दिया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोसेस दिखाता है कि कैसे मिड ओशियन में रिजेस पर नई क्रस्ट बनती है और सडक्शन जोन्स पर नष्ट हो जाती है, जिससे पृथ्वी का आकार फाइनली बना रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज के समय में साइंटिफिक कम्युनिटी इस ग्रोइंग अर्थ थियरी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, इसे एक फ्रिंज थियरी माना जाता है, जबकि अधिकांश जियोलॉजिस्ट प्लेट टेक्टोनिक्स मॉडल को ही सपोर्ट करते हैं जो पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट को और जियोलॉजिकल फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं। इन शॉर्ट, ग्रोइंग अर्थ थियरी ने प्रस्तावित किया कि समय के साथ पृथ्वी का आकार बढ़ रहा है जिससे वर्तमान कॉन्टिनेंट्स का अरेंजमेंट हुआ, लेकिन इस थियरी को लार्जली डिस्क्रेडिट कर दिया गया। अब व्यापक रूप से स्वीकारी की गई प्लेट टेक्टोनिक थियरी को ज़्यादा समर्थन मिला हुआ है। फ्रेंड्स, हिस्ट्री में एक ऐसा भी समय था जब मिल्की वे को पूरा यूनिवर्स मान जाता था। चलिए इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें। फ्रेंड्स, पुराने एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट का मानना था कि रात को जो हम तारे आसमान में देखते हैं वे सभी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी को पूरा यूनिवर्स माना जाता था। उस समय यह समझा जाता था कि यूनिवर्स सिर्फ वही है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और मिल्की वे ही उसकी सीमाएं हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उस समय हमारे पास ऑब्जर्वेशनल लिमिटेशंस थे, टेक्नोलॉजी की कमी थी। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में टेलीस्कोप की लिमिटेशन के कारण एस्ट्रोनॉमर्स को यह भी नहीं पता था कि मिल्की वे के बाहर भी कुछ गैलेक्सीज मौजूद हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि यूनिवर्स में जितने भी तारे, गैस, धूल के बादल वगैरह वगैरह जो भी है वो सब मिल्की वे का पार्ट ही है। लेकिन फ्रेंड्स, फिर दोबारा एडविन हबल, जिन्होंने 1929 के अंदर साबित किया कि मिल्की वे के बाहर भी कुछ अन्य गैलेक्सियां हैं। उन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी का अध्ययन किया और पाया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से ये थोड़ा सा दूर पर स्थित है। तब पता लगा कि स्टार्स के अलग अलग चंक्स हैं जिन्हें गैलेक्सीज का नाम दिया गया, यानी कि मिल्की वे यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा बना। हबल ने यह भी खोजा कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है, जिससे यह भी साबित हुआ
कि मिल्की वे के बाहर और बहुत बड़ा ब्रह्मांड। फ्रेंड्स आज हम जानते हैं कि मिल्की वे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है और यूनिवर्स उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और कॉम्प्लेक्स जितना पहले सोचा था। मिल्की वे का आकार, स्ट्रक्चर और उसमें मौजूद तारे, प्लैनेट्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मिल्की वे को पूरा यूनिवर्स मानने की अवधारणा हमें यह दिखाती है कि साइंस कैसे इवॉल्व होती है। यह विचार उस समय के ऑब्जर्वेशनल टूल्स और नॉलेज पर आधारित था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स में सुधार हुआ हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती गई। इन शॉर्ट एक समय था जब मिल्की वे को पूरा यूनिवर्स माना जाता था क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी और नॉलेज के आधार पर यही सही लग रहा है। लेकिन बाद में एडविन हबल की खोज ने यह साबित किया कि मिल्की वे के बाहर भी कुछ गैलेक्सीज या चंक्स ऑफ स्टार्स हैं जिसे हमारे यूनिवर्स की समझ हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह बदल गई। फ्रेंड्स आज की प्रेजेंटेशन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।